वेलकम टू माय चैनल फूड लवर बाय फरी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मज़ेदार आलू के कबाब। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 से 8 अदद आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं और अब मैं इसको मैश करूँगी। आलू गर्म थे इसलिए मैंने इसको इस तरह से काटा है ताकि ठंडे हो जाएँ, उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखें आलू मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने आधी गड्डी धनिया की ली है, बारीक काट लिया है, 1 बड़ी प्याज को चॉप कर लिया है, लेमन लिया है और कुछ हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी, उसके बाद चॉप की हुई प्याज, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और उसके अंदर लाल वाली मिर्च भी मैंने शामिल कर ली थी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद लेमन का जूस डाल देना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 ज़रूरत नमक डाल लीजिए। ये मैंने ज़ीरा कूट के रखा हुआ है, कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। वन टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसके कबाब बना लूँगी। 1 प्लेट में मैंने 2 चम्मच मैदा पानी में घोल के रख लिया है और साथ में ब्रेड क्रम्स। पहले हमने मैदे में डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखें कबाब बिल्कुल तैयार है ब्रेड क्रम्स लगा के। ये सारे मैंने बना के रख लिए थे, अब मैं इसको 1 बाय 1 फ्राई कर लूँगी। ये देखें मज़ेदार आलू के कबाब तैयार हैं। बच्चे बहुत ही शौक से इंजॉय करके खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी आलू के कबाब बने हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।